आज है दिन डे फर्स्ट डेली ब्लॉगिंग का। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से हूँ, तो आज बन रही है फिर से मक्की की रोटी। गुड मॉर्निंग। और अभी मैं उठ ही गई हूँ और मुझे बड़ी मम्मी ने सीधे बोला कि दूध लेके चले जा, क्योंकि आज घर पे मम्मी और पापा दोनों ही नहीं है। अदरवाइज मम्मी या पापा मैं से दूध लेके जाते थे, तो आज मेरी टर्न लग गई है। और अभी टाइम हो रहा है 7:45। 8 बजे हमारी दूध की गाड़ी आती है, तो मैं और प्रीति जा रहे हैं दूध लेके रोड के लिए। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछे थे मेरे गांव का नाम क्या है, तो ये है मेरे गांव का नाम। यहाँ पे बोर्ड भी लगा है, चुंजा है इसका नाम। अभी हम दूध छोड़ के आ गए हैं वहाँ पे, और तो सुबह की ये भी एक रूटीन होती है। और बार तो पापा या मम्मी जाते हैं, आज वो थे नहीं घर पे, तो मेरी ड्यूटी लग गई। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है। बड़े वापस घर, और ये आगे प्रीति चली है और वो पीछे सारा गांव दिख रहा है। ये हमारा गांव है, मेन गांव यही है जहाँ पे रहते हैं। पर लेकिन अब लोग काफ़ी इधर उधर बस गया है रोड के साथ साथ में, और रोड के लिए यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है। अभी मैं घर भी पहुँच गई हूँ, जस्ट 10-15 मिनट ही लगे, ज़्यादा दूर नहीं है रोड यहाँ से। तो आज बन रही है फिर से मक्की की रोटी, और बड़ी मम्मी बना रहे हैं, बिल्कुल गोल बनाए, बिना बेलन के हाथ के ऊपर बनाया, फिर भी बिल्कुल गोल बनी। और बनाने से पहले इसको ऐसे करते हैं, फिर इसी की पिन्नी बना के इसी को हाथ पे ही गोल गोल करके बड़ी मम्मी बनाते हैं। ये बन रही है पूरे चूल्हे के ऊपर, मिट्टी के चूल्हे के ऊपर बन रही है हमारी मक्की की रोटी। इस तरह से बनती है हमारे मक्की की रोटी, और बड़ी मम्मी तो एक्सपर्ट है इसके, ये बनाते हैं बहुत अच्छी। हाथ पे ही बना रहे हैं और बिल्कुल गोल बनेगी, इसके लिए कोई बेलन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ऐसे ही हाथ पे बनाते बनाते गोल बन जाती है। और सूखने के लिए यहाँ पे सुखाते हैं अच्छे से सूख के, फिर पक जाती है अच्छे से और फिर खाने के लिए रेडी हो जाएगी। तो अभी मैं करने लगी ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में है दूध, सब्जी और मक्की की रोटी। तो अब मिलते हैं आपसे ब्रेकफास्ट के बाद। तो आज पूरे दिन भर धूप नहीं लगेगी शायद, क्योंकि मौसम बिल्कुल ख़राब है। और इसको भी बाहर निकाला है, और सोनी को भी बाहर निकाला है, क्योंकि ये जो ये खा रही है ना अभी, इसको हमारे बोलते हैं जोड़ी। ये मुझे बोल रही है कि मुझे खारिश कर, इसको खारिश करनी पड़ती है। और जो ये अभी खा रही है, इसको हमारे यहाँ पर जोड़ी बोलते हैं, और भेड़ एक पेड़ होता है, उस पेड़ को काट के लाते हैं, और इसको बहुत पसंद है, मेरी गाय को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर सभी जोड़ी होनी चाहिए, उसके सामने सब चीज़ें भूल जाती है। और अब ना ये इसमें आते खाते सारे पत्ते खाएगी, और उसके बाद ये लकड़ियाँ बच जाएगी, फिर इन लकड़ियों को इकट्ठे करके बाद में हम सूखने के बाद इनको जलाते हैं। यहाँ पे है हमारे घर की बावड़ी, बिल्कुल घर में ही है, और इसमें काफ़ी पानी है। जा रहे कपड़े धोने, आपके पास तो अपनी ऑडियंस है, मेरे पास तो अपने हाथ है। और जीजू आए थे पिछले कल, स्पेशल धूप सेकने आए थे, लेकिन आज भगवान की कृपा देखो, धूप ही नहीं लगी है और ये अपना काम कर रहे हैं। और दीदी धो रहे हैं कपड़े, ये पूरे सारे कपड़े हैं, ये अभी धोएंगे हम दोनों मिलके। और साथ में आज है नया साल और नई शुरुआत, नई शुरुआत के साथ डेली ब्लॉग स्टार्ट किया है। आज है दिन डे फर्स्ट डेली ब्लॉगिंग का, और 30 दिन अभी और करनी है, पता नहीं कैसे कैसे करूँगी, चलो देख ही लेंगे। क्योंकि एडिटिंग होता है थोड़ा डिफिकल्ट सा होता है, तो पूरा दिन यहाँ पे काम में निकल जाता है। शाम को हम 10-11 बजे तक तो ऐसे भी बैठे ही होते हैं, उसके बाद मुझे एडिटिंग करनी पड़ती है। तो सोते सोते मेरे 1 बज जाता है, 1 बजे मैं सोती हूँ, फिर मैं 6 बजे उठ के वीडियो अपलोड पर लगाती हूँ। और इस तरह से मेरा आजकल का टाइट स्केड्यूल है। अब धोएंगे कपड़े और उसके बाद मिलते हैं। कपड़े धो के आ गई हूँ मैं, और हाथ पांव दोनों ठंडे हो गए हैं। पज्जी बाहर है देखो इसको ऑरेंज दे रहे हैं, अब इसका पेट्टू फूल हो गया, तो इनको बाहर निकाल रहा है। क्या जी ये क्या तेरा ऐसे सहेंगे इधर? हाय अच्छा बोलो हेलो, हाय। थोड़ी देर पहले सो के उठा है। हेलो
लो अकड़ बकड़ अकड़ बकड़ अकड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 कुप करो यहाँ कर मेरे हाथ पर नहीं लड़ना अब देखना नहीं इसको इसको बोलूंगी पीटी पीटी करूं फिर ये मना करेगा विशु दी पीटी पीटी करूं नहीं नहीं करूं थोड़ी सी करूं थोड़ी सी नहीं 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 कर इसको पता है देखिए ये पो किसने की पो किसने तो मैं और मम्मी जा रहे हैं अभी खेत हम जा रहे कहीं तू कहाँ जा रही है दीदी भी जा रही है कहीं कहाँ जा रही है हम जा रहे हैं पीपल के पास पीपल के पास बचपन में जाते थे हमारा अब तो बड़े हो गए उतना नहीं जाते नहीं तो बचपन में पीपल के पेड़ के नीचे ही पूरा दिन खेलते रहते थे तो तू जा पीपल के पास हम मैं और मम्मी जा रहे हैं खेत हमें लानी है थोड़ी अब मधु जो है जा रही है लकड़ी लाने खेत मम्मी के साथ मम्मी भी है साथ में विंटर्स में हमारे को कलेक्ट करके रखनी पड़ती है लकड़ियां घर में हम ताकि जब बारिश हो चूल्हे में बहुत जलती है तो मैं पहुंची हूँ खेत में सांस फूल रही है बोलते बोलते अब मैं आपसे बात करती हूँ थोड़ा बैठ के आराम से कुछ बात करनी है गोबर यहाँ पर डाला है और इस वाले खेत में थोड़ा सा ही गोबर आया है और ये हमारा इकलौता ऐसा खेत है जहाँ पे हमने पौधे या प्लांटेशन नहीं की हुई है यहाँ पे ना सेब के हैं ना ही बादाम के हैं यहाँ इस वाले खेत में किसी भी टाइप के पेड़ नहीं लगाए हमने और देखते हैं आगे कभी अगर बारिश अच्छी आ गई तो लगा भी लेंगे और यहाँ से ना व्यू बहुत अच्छा है इस खेत से मतलब घर के लिए ये लोकेशन बहुत अच्छी रहती पर ये रोड से काफ़ी दूर है तो व्यू दिखाती हूँ आपको यहाँ से यहाँ से ये व्यू है आज मौसम खराब है तो इतने अच्छे से दिखेगा भी नहीं अदरवाइज यहाँ से रिवर सतलुज भी दिखती है ये देखो रिवर सतलुज दिख रही है और बहुत ही अच्छी जगह है तो काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मेरा नाम क्या है मैं कहाँ से हूँ तो क्योंकि मैं आज से डेली व्लॉगिंग तो शुरू कर ही रही हूँ तो मैं अपना थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ मेरा नाम मधु वर्मा है और मैं हिमाचल प्रदेश की शिमला डिस्ट्रिक्ट से हूँ शिमला से हूँ और शिमला में भी टू बी स्पेसिफिक मैं हूँ शिमला में एक रियासत पड़ती है रामपुर बुशहर अगर आप लोगों को हिमाचल प्रदेश के बारे में पता होगा तो यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं राजा वीरभद्र सिंह जी तो उनकी रियासत है 6 बार वो सीएम रहे हैं हिमाचल प्रदेश के तो उनकी रियासत जो बुशहर रियासत है मैं वहाँ से हूँ बेसिकली मैं वहीं से बिलोंग करती हूँ और अगर एजुकेशन की बात करूँ तो मेरी MSc जूलॉजी में हुई है और मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ जिसका नाम चुंजा है और हमारी जॉइंट फैमिली है जिसमें हम सारे परिवार मिलजुल के रहते हैं तो ये मेरे बारे में था और रही बात आप बादाम से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे कि बादाम कैसे लगते हैं किस मंथ में लगते हैं आजकल सीज़न नहीं है आजकल ना सेब का सीज़न है ना ही बादाम का सीज़न है आजकल होती है बादाम के पेड़ों में कटिंग होती है और बादाम का सीज़न आपके मई या जून में होता है और जुलाई में भी हो जाते हैं थोड़े बहुत जुलाई में बादाम की क्लोजिंग होती है और जुलाई में यहाँ पे सेब की स्टार्टिंग हो जाती है तो अभी तो बादाम है नहीं जितने भी लोग आप बोल रहे थे कि बादाम भेजिएगा तो अभी के लिए सॉरी अभी बादाम नहीं है बादाम आपको अगले मई तक मिलेंगे मई तक तैयार होते हैं बादाम और यही मेरा इंट्रो था अभी मम्मी लकड़ियाँ लगा रहे हैं तो लकड़ियाँ ले जाते हैं घर मम्मी अभी लकड़ियाँ लगा रहे हैं जो ये आप देख रहे हो ना बास्केट इसको हम किल्टा बोलते हैं हमारी पहाड़ी में इसको किल्टा बोलते हैं तो मम्मी इसके ऊपर लगा रहे हैं और साथ में ही बादाम में अभी फ्लावरिंग होगी फरवरी और मार्च में बादाम में फ्लावरिंग होती है उस टाइम पूरी जगह वाइट वाइट हो जाता है पूरा एरिया वाइट वाइट हो जाता है और देखने के लिए वो भी अच्छा सीज़न होता है जब उसमें फ्लावरिंग शुरू होती है और बादाम की फ्लावरिंग पर मैंने एक वीडियो बनाई भी है अगर आपको देखनी होगी तो आप देख लेना या फिर मैं लिंक डाल दूंगी आप वहाँ से भी देख सकते हो बादाम की फ्लावरिंग कैसे होती है मम्मी ये किसके लिए लगाया आपने अपने लिए अरे बहुत सारी लकड़ियाँ हैं तो सर्दियों का जुगाड़ तो करना ही पड़ता है लकड़ियों से और आज तो मौसम भी ख़राब है तो ये लकड़ियाँ जंगल से काटी हुई नहीं है ये हमारे ही खेत में जो पेड़ लगे थे तो हमने उनको थोड़ा थोड़ा ट्रिम कर दिया है देखो इस वाले पेड़ से और तब जाके निकली है फिर मम्मी मेरे लिए लगा रहे हैं
तो अब हम चल पड़े हैं घर। तो यहाँ से हमारा गांव भी बहुत अच्छे से दिख रहा है। ये छोटा सा गांव है हमारा। तो ये आ गई हमारी इतनी सी लकड़ियाँ आज, और काफी ही है। तो शाम के हो रहे 4:45 और हम आए हैं नए घर में। दीदी है यहाँ पे विद चाबी, घर की चाबी। इसको दीदी ने पूरा पैक करवा दिया है क्योंकि ठंड है आज। क्या कहानी घर की, कहानी घर की। चुन जा। ओ, अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर, और शाम हो गई है और अब तो बिल्कुल ही अंधेरा होने वाला है। आगे को तो बहुत खराब मौसम हो गया है और सनसेट हो रहा है शायद, आई थिंक इसके पीछे। और यहाँ पे लवली भी है और ये भी घर आ रही है, तो हम सारे घर जा रहे हैं। मैं तो अभी खाली हूँ, पर लवली के पास अभी घास है। ये हमारे गांव की सबसे ज्यादा काम करने वाली लड़की है, सबसे ज्यादा काम लवली करती है। मतलब औरतें उतना काम नहीं करती जितना ये करती है। तो रात के हो रहे 8:30 और मैं डिनर कर रही हूँ। आज डिनर में बनी है खदलीश। खदलीश होती है कुलथ की दाल के साथ बनती है ये, और बहुत अच्छी रहती है। सर्दियों में गर्म रहती है। अगर किसी को कोल्ड हो या फीवर हो या कोई भी सर्दी में गला खराब हो, तो ये वाली चीज़ हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और इसमें होता है कुलथ की दाल और चावल के साथ, जैसे खिचड़ी बनती है वैसे ही कुलथ के साथ ये बनती है। खदलीश बोलते हैं इसको हमारे यहाँ, और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। और सर्दियों में तो ये बनती ही है हमारे यहाँ, क्योंकि कुलथ की दाल हमारी अपनी होती है। इस लड़के ने ना रात को इतना आतंक मचाया ना यहाँ पे, यहाँ इसकी बुक है, ये इसको भी नहीं पढ़ रहा है। और अब बढ़ो, बोलो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, कैट नीचे। 1 साल 3 महीने का है और इसकी एनर्जी ऐसी चार्ज हुई है ना, ये थक ही नहीं रहा है। हम सबको नींद आ रही है और इसको मजे आ रहे हैं। तो अभी रात के 9:30 हो रहे हैं और मैं पी रही हूँ दूध। शाम को मैं हमेशा दूध पी के ही सोती हूँ, तो दूध पी के नींद बहुत अच्छी आती है और घर में ये भी एक फायदा रहता है। तो अभी बज रहे हैं 10:10 और मैं आज अपने रूम आई हूँ सोने। काफी टाइम बाद अपने रूम में सोऊंगी। अभी सोना नहीं है, अभी एडिटिंग करनी है। अभी मैं व्लॉग एडिट करूंगी और ताकि कल सुबह तक ये अपलोड भी हो जाए। तो व्लॉग यहीं खत्म करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर, अन्यंग।